हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के बहुत से ऐसे मुश्किल काम होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं आसान तरीके से और कम समय में कर पाएंगे, लेकिन जब इन्हीं कामों को करने बैठते हैं इसमें काफ़ी समय और पैसा लग जाता है, जिससे हमारे ज़रूरी काम रुक जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करने से आप समय और पैसे दोनों की बचत कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप, यहाँ पे आपको देखिए कोई भी छोटे साइज के आलू को ले लेना है और बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट आपको कट करना है। ये देखिए बस इतना ही से आलू लेना है, बहुत ज़्यादा आलू की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, चाकू से इसमें मतलब होल कर देना है, मतलब इस तरह से चाकू आपको मारना है ताकि जो इसका रस होता है ना, स्टार्च, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाए। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अपने मुश्किल काम को मिनटों में आसान कर पाएंगे, और बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही अच्छे से वर्क भी करता है। यहाँ पर ले लेना है आपको कोलगेट और इस तरह से आलू के ऊपर थोड़ा सा लगा देना है। तो यहाँ पे आपको कोलगेट उतना ही लेना है जितना हम लोग एक बार में ब्रश करते हैं, तो आपको उतना ही कोलगेट इसमें ले लेना है और अच्छे से लगा देना है। तो यहाँ पे वाइट कोलगेट पेस्ट का ही यूज़ करना है, कोई दूसरे पेस्ट का आप यूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जो वाइट वाला होता है ना, बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। अच्छा, यहाँ पे ले लिया है मैंने गोल्ड के जो बैंगल्स होते हैं उनको लिया है। यहाँ पे आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप कोई भी यूज़ कर सकती हैं, आर्टिफिशियल बैंगल हो या गोल्ड की कोई भी चीज़ हो, उस पर ये वर्क बहुत ही अच्छे से करता है। हम लोग क्या करते हैं, जब ये थोड़ा सा पहनने के बाद गंदी हो जाती हैं तो हम लोग इसको साफ़ करवाने के लिए बाहर देते हैं, जिससे पैसा भी लगता है, सोना भी कम हो सकता है। इसलिए आप गोल्ड की ज्वेलरी को घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से क्लीन कर सकती हैं। यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से मैंने बैंगल लिया है, तो यहाँ पे आलू पे जो मैंने पेस्ट लगाया था, आपको इस तरह से पेस्ट लेना है और अच्छे से आलू पे लगा देना है। लगाते ही लगाते आप देखेंगे जो भी बैंगल में जो भी गंदगी फंसी होगी, जो कालापन आ गया है, बैंगल्स पुरानी लगने लगी हैं, वो बिल्कुल न्यू लगेंगी, जैसे आप अभी मार्केट से खरीद करके ला रही हैं। जो आलू होता है उसमें काफ़ी स्टार्च होता है, जिससे बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। और यहाँ पे जो वाइट कोलगेट पेस्ट हम लोगों ने डाला है ना, वो भी बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। दोनों ही चीज़ आपस में मिल करके बहुत ही अच्छे से वर्क करती हैं, और जितना भी इसमें कालापन आ जाता है गोल्ड की ज्वेलरी में या आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, जो चमक चली जाती है ना, उनकी शाइन और चमक पूरी वापस ले आता है, बिल्कुल न्यू लगने लगते हैं। तो बस आपको एक चीज़ देख करना है, इस तरह से करीबन 1 से 1.5 मिनट तक आपको इस चीज़ को करना है, जिस भी चीज़ पर आप इसको अप्लाई कर रही हो, और उसके बाद 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से कर दिया, और कितनी गंदगी आपको दिखाई पड़ रही होगी, पहले पेस्ट बिल्कुल सफ़ेद था, रगड़ते रगड़ते इसका कलर चेंज हो गया, हल्का सा कालापन आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको तुरंत वॉश करना है। यहाँ पे देखिए मैं वॉश करके दिखा रही हूँ, एक अलग से ही शाइन और चमक इस बैंगल में आ रही है। तो इस तरह से जब आप अपने कोई भी सोने की ज्वेलरी को क्लीन करेंगी ना, तो वैसे ही शाइन करने लगेगी। आपको कहीं भी बाजार या मार्केट में देने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको क्लीन करवाएं, घर पे ही अपनी कान की इयररिंग हो या हाथ की रिंग हो या कोई भी चीज़ हो, आप इसको घर पे क्लीन कर सकती हैं बगैर पैसा खर्च किए हुए। बस 2 चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना है, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। आप इसको मेरे कहने से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कि बहुत ही अच्छे से वर्क भी करता है। अगली टिप मेरी, यहाँ पर इस तरह से आपको क्या करना है, फिटकरी ले लेना है। फिटकरी इजीली मार्केट में मिल जाती है, इसका यूज़ हम लोग कई तरीके से करते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है। इसका यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे देखिए मैंने करीबन फिटकरी थोड़ी सी ली है, 4-5 छोटी छोटी। उसके बाद आपको ले लेना है यहाँ पे सेंधा नमक, जो हम लोग व्रत में यूज़ करते हैं, तो आपको इसी नमक का यूज़ करना है। यहाँ पे कोई भी काला नमक या टफ सफ़ेद वाला टाटा नमक यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको लेना है सादा नमक। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है 1/2 चम्मच से कम बेकिंग सोडा, आपको मीठा सोडा ही यूज़ करना है, यहाँ पे कोई भी बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ हम लोग ने ले ली है। तो इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही आरामदार तरीका आपको बताऊंगी, जो बहुत ही अच्छे से काम भी करेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक न्यूज़पेपर लेना है, तो यहाँ पे जो फिटकरी के पीस हम लोग ने लिए ना, तो आपको क्या करना है, इसको पीसना है। तो यहाँ पे मिक्सी की ज़रूरत नहीं है, फिटकरी बहुत ही आसान तरीके से पाउडर बन जाती है। बस आप किस तरह से पेपर में लगाइए, इस तरह से इसका थोड़ा सा पाउडर बना लीजिए, सिंपल तरीके से बन भी जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाइए। अच्छा, जो यहाँ पे मैं इन तीनों चीज़ों का जो पाउडर मिक्स करके बनाऊंगी ना, जो सॉल्यूशन बना रही हूँ, ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा, और करीबन 1 हफ्ते तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, अच्छे से ब्रश करने के बाद भी उनके जो दांत होते हैं ना, उसमें काफ़ी पीलापन होता है, जो बिल्कुल भी देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसी के लिए बहुत ही बेनिफिट सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ, और ये बहुत ही अच्छे से वर्क भी करता है। यहाँ पे क्या करना है, फिटकरी को आपको छन्नी से ही छानना है, क्योंकि फिटकरी के जो बड़े दाने होते हैं ना, वो बिल्कुल भी आपके दांत में नहीं लगने चाहिए। तो इसको कैसे करना है,
कैसे ये वर्क करेगा, आपको सारी चीज़ें ध्यान से सुनना है। यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेना है। और क्वांटिटी आपने देख ही ली है, तो आधा चम्मच आपको फिटकरी पाउडर, आधा चम्मच नमक सेंधा और आधे चम्मच से कम आपको यहाँ पे बेकिंग सोडा। तो आपको दांतों पे कैसे अप्लाई करना है, इसको हफ्ते में करीबन 3 बार, एक दिन छोड़ के आपको दांतों पे अप्लाई करना है। मसूड़ों पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। जैसे ही आप हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे तो आप देखेंगे जो भी दांत में पीलापन है वो धीरे धीरे कम होने लगा। देखिए एक बार में तो असर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन हफ्ते में आपको चमक दांतों में बहुत ही अच्छे से दिखाई पड़ेगी और दांत बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे। आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी, यहाँ पे इस तरह से जो बेबी पिन होती है ना, यहाँ पे हम लोग इसको टिकटॉक पिन भी बोलते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आपने देखा होगा इसका इस्तेमाल हमने बालों को सिक्योर करने के लिए करते हैं ताकि बाल हम लोग के बहुत ही अच्छे से फिक्स रहें। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा बच्चों के लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं, जब थोड़ी देर लगा लेते हैं इसको उठा करके कहीं भी रख देते हैं तो यह आसान तरीके से बिल्कुल नहीं मिलती, हम लोग को कहीं जाना हो इसको ढूंढने लगते हैं। तो आप इसको ऐसे ऑर्गेनाइज करिए जिससे ज़्यादा स्पेस भी ना ले और बिल्कुल सही टाइम पे ये मिल भी जाए और कम स्पेस में ही आप इसको रख सकती हैं। यहाँ पे सेफ्टी पिन लेना है और जितनी भी आपकी टिकटॉक पिन है आप इसको इस तरह से ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बड़ी छोटी जितनी भी मेरे पास पिन थी मैंने इस तरह से सेफ्टी पिन में अरेंज कर दी हैं। ये देखिए ये एक जगह अरेंज हो गई, करीबन इसमें 5 से 6 चिमटियाँ और भी आ सकती हैं। बस आप इसको कहीं भी हैंग कर दीजिए या कहीं भी रख दीजिए ड्रेसिंग टेबल में, ये एक जगह तो मिल ही जाएंगी, बिल्कुल भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बहुत ही आसान तरीके से देखिए निकाल भी सकती हैं, है ना, बहुत ही जुगाड़ू आइडिया। इस तरह से जो छोटी छोटी हम लोग की टिकटॉक पिन होती हैं इधर उधर पड़ी रहती हैं, तो इनको बहुत ही आसान तरीके से आप रख सकती हैं। और भी एक आइडिया शेयर करूंगी, आपने देखा होगा इस तरह की छोटी बैंड होते हैं ना, रबड़ बैंड, तो हम लोग बच्चों के क्या अपने भी लगाते हैं, लेकिन ये भी समय पर बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। ये छोटे छोटे अगर हम लोग किसी पॉलीथीन में रखते हैं तो एक निकालते हैं तो दूसरे गिर जाते हैं। बस आपको यहाँ पे फिर से सेफ्टी पिन लेना है, जितनी भी रबड़ बैंड बड़ी वाली हैं आप इसको एक जगह सिक्योर कर लीजिए और जो छोटी वाली बैंड है आप उसको अलग रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए करीबन 8 से 10 रबड़ बैंड आप लगा सकती हैं, मैंने 6 रबड़ बैंड इसमें लगा दी अच्छे से, देखिए सेफली हो गई है, बिल्कुल भी नहीं खोएंगी। इसी तरह से आप छोटी रबड़ बैंड को भी इसमें सिक्योर कर दीजिए। अब ये आप कहीं भी रबड़ बैंड को रख दीजिए ड्रेसिंग टेबल में या कहीं भी हैंग कर दीजिए, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगी और समय पर मिल जाएंगी, जिससे हम लोग के काम भी आसान हो जाएंगे। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है जो बहुत ही काम आने वाली है। अगली टिप मेरे यहाँ पे चकला और बेलन को लेकर के, देखिए इसका इस्तेमाल तो रोज़े हम लोग पूड़ी पराठा और रोटी बनाने में करते ही हैं। आपने देखा होगा जिस पर बच्चों के लिए लंच हम लोग जब बनाते हैं ना तो तुरंत ही हम लोग अपने लिए खाना तो नहीं बनाते, जिसके लिए दोपहर के टाइम हम लोग को रोटियाँ बनानी पड़ती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इस तरह से पराठा और बेलन को थोड़ी देर के लिए छोड़ जाते हैं। लेकिन होता क्या, बरसात का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, इस तरह से पराठा और बेलन पर चढ़ करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग के दिमाग में शंका बनी रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं बार बार इसको धो करके फिर इस्तेमाल करते हैं, तो आपका काम ना पड़े बढ़े। आपके लिए बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बता रही हूँ। आपको क्या करना है, पॉलीथीन बड़ी सी आपको अपने स्लैब पर रखनी है, मतलब आप किचन में कहीं भी रख लीजिए। जब भी आप सुबह बच्चों के लिए लंच बनाएं, आपको तुरंत पाटा और चकले की ज़रूरत नहीं है, पाटा और बेलन की ज़रूरत नहीं है, तो आपको क्या करना है इस पॉलीथीन के अंदर इसको डाल देना है। अब ये सेफ हो गया, कोई भी कीड़ा मकौड़ा अचानक से आपके किचन में आता है, इसके ऊपर रेंग करके चला भी जाता है ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका पाटा बेलन बिल्कुल साफ रहेगा। क्योंकि बार बार अगर हम लोग पाटा बेलन को धोने बैठेंगे ना तो ये सूखेगा भी नहीं, क्योंकि मौसम इतना ख़राब चल रहा है, धूप निकलती नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से आप अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान कर सकती हैं और ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, ट्राई ज़रूर करिएगा। यहीं पे वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय।